कोलकाता में हुई वारदात के बाद राज्य के अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार काफी गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में पुलिस चौकी खुलेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने डीजीपी को पत्र भी लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे ये भी कहा कि मैं गृह मंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करूंगा। बता दें कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप हत्या के बाद से लगातार डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की जा रही है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा के लिए हथियारों के लैस रिटायर्ड आर्मी जवानों को तैनात किया जाएगा। सभी अस्पताल में एक जवान की तैनाती भी रहेगी। सभी मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकियां हेतु हमारे विभाग से डीजीपी को पत्र गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ सभी जो हमारे मेडिकल कॉलेज है उसमें आवश्यकता अनुसार बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को पहले प्राथमिकता के साथ रखेंगे और नहीं होने पर गन लाइसेंस वाले सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में की जाएगी, ताकि जो हमारे महिला डॉक्टर्स हैं, जिस प्रकार से कलकत्ता में घटना हुई, कोई भी ऐसे मानसिकता की व्यक्ति छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार में हिम्मत ना कर सके, सर उठा ना सके। देखिए, हमारा प्रयास होता है कि बीमारियां ना आए, बीमारियों को रोकने का हम तमाम कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बारिश के समय में मौसमी और संक्रमण वाली बीमारियां अपना पैर पसारती हैं। और इस वर्ष भी काफी आपने देखा होगा, मलेरिया ने भी काफी परेशान किया, डायरिया ने भी किया, लेकिन हम लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से उसको निपटा। स्वाइन फ्लू आई है, कोई चिंता की बात नहीं, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी हॉस्पिटलों में इसकी जांच के लिए किट उपलब्ध है, इसके लिए दवाइयां उपलब्ध हैं, इनके लिए सेपरेट बेड उपलब्ध हैं, और जो भी भारत सरकार के जो गाइडलाइन में है, महामारी नियंत्रण संबंधी जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप हमारे सभी हॉस्पिटल्स में इसके लिए हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं। किसी प्रकार की स्वाइन फ्लू से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा बाजार